हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी के हमारे चैनल फैंटेसी सुपर इलेवन पर फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो बेसबॉल का मैच होने वाला है आज, सीटीबी और आरएम के बीच होने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या रहने वाले दोनों टीम की तरफ से एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ प्लेयर का परफॉर्म, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट पिक क्या रहने वाले, ड्रीम इलेवन की हेड टू हेड स्मॉल लीग ग्रैंड लीग पॉइंट टेबल रिसेंट फॉर्म, सारे कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है, तो शुरू से अंत तक बने रहे दोस्तों बिना स्किप के। अगर स्किप कर करके देखोगे दोस्तों, जो 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 मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा ड्रीम इलेवन के ग्रैंड लीग लगाने के लिए स्मॉल लीग के लिए, तो आप इस तरह इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओगे। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो है, पूरा वो देखते रहिए बिना स्किप किए। दोस्तों ये मैच खेला जाएगा 1 मई को, यानी कि आज आज 4:10 पे खेला जाएगा दोस्तों, दोपहर को ताइवान स्टेडियम पे खेला जाएगा। अब देखिए तो दोनों टीम की तरफ से रिसेंट में 5 मैच देख लेते दोस्तों, दोनों टीम की तरफ पहले देख लेते। तो सीटीपी की तरफ से चाइना ट्रस्ट प्रोटोकॉल की तरफ से ओन क्या है, ओन क्या है, लॉस क्या है, ओन क्या है, लॉस क्या है। और दोस्तों रेकूटन मंकी की तरफ से देख लेते दोस्तों, ओन क्या है, लॉस क्या है, लॉस क्या है, ओन क्या है, ओन क्या है। तो दोस्तों दोनों टीम बराबर ही चल रहा है दोस्तों। अगले दोस्तों सीटीपी और आरएम की तरफ से टीम न्यूज़ क्या क्या रहने वाले हैं दोस्तों। अभी तक सीटीपी ने 5 मैच खेले हैं, उनमें से 3 मैच जीते हैं और 2 मैच लॉस किया है। जो पिछले जो मैच था दोस्तों यूएल और सॉरी सीटीपी और यूएल के बीच, उनमें से 6-12 से सीटीपी को लॉस का सामना करना पड़ा था 6 पॉइंट से। अब दोस्तों अभी तक 62 रन है, अभी तक 12 मैचों में सीटीपी ने अभी तक 62 रन्स का रन कर पाया है। अब तो राकुटन मंकी की तरफ से टीम न्यूज देख लेते हैं। राकुटन मंकी अभी तक 2 मैच खेले हैं, 2 मैच से 2 मैच जीता है। जो पिछले मैच था उसका FUG के साथ था, उसमें से 3-0 और 5-3 से जीता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहा है रेकूटन मंकी की टीम। अब जो हाईएस्ट स्कोर उसका देख लेते दोस्तों, हाईएस्ट स्कोर 87 रन्स हाईएस्ट स्कोर है। तो दोस्तों रेकूटन मंकी की तरफ से एक अच्छा खासा विनिंग टीम बना के जा सकते हो दोस्तों। रेकूटन मंकी की तरफ से 5-4 या 6-3 के कॉम्बिनेशन बना के जा सकते हो दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए, हेड टू हेड के लिए भी। अब देख लेते दोस्तों दोनों टीम की तरफ से पॉसिबल लाइनअप क्या रहने वाले। पहले देख लेते दोस्तों सिटी ब्रदर्स की तरफ से, चाइना ट्रस्ट ब्रदर्स की तरफ से देख लेते दोस्तों, जैन हुसैन रहने वाला है, टी हो रहने वाला है, चैंग हो रहने वाला है, वी चैन सैन सेंग चिन हैंग वीटा और डी पोलो और सी चैन के बीच कोई एक खेलेगा। अभी तक कंफर्म नहीं है कौन खेलेगा। और लाइनअप के बाद कोई भी चेंजेस होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिलेगा। अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो। और वाई चैन रहने वाला है। अब देखिए तो राकुटन मंकी की तरफ से पॉसिबल लाइनअप क्या क्या रहने वाला है। चैन हुई रहने वाला है, वाई लिन रहने वाला है, एल ली रहने वाला है, चैन हु रहने वाला है, वाई हुसैन रहने वाला है, वेन रोन और कारपेटर और होंग या रहने वाला है। दोस्तों कारपेटर खेलेगा नहीं खेलेगा डाउटफुल है, अगर खेलेगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर दोस्तों टीम की इंजरी रिपोर्ट कोई भी अगर अपडेट मिलेगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट मिलेगा आप लोगों के लिए, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना और फाइनल टिप्स टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो दोस्तों देख लेते हो आप क्या रहने वाली है ग्रैंड लीग के लिए और स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए टीम क्या रहने वाली है देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले से एक टीम बना कर रखो, ये हमारा हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए दोस्तों। अगर दोस्तों ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो तो ग्रैंड लीग के लिए मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बता दूंगा, कौन कौन आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक अच्छा पिक हो सकता है ग्रैंड लीग के लिए बता दूंगा दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। आप लोगों का लाइक से दोस्तों हमें बहुत सारा मोटिवेट मिलता है इस तरह का वीडियो बनाने में। और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अगले दोस्तों फाइनल प्रीव्यू टीम का ये देख सकते हो, फाइनल प्रीव्यू आउटफुल पे दोस्तों मैंने एल वाइट को ट्राई किया है, सी चैन हो को ट्राई किया है और सी जो सी को ट्राई किया है। इनफील्ड पे दोस्तों ली को ट्राई किया है, के वन को, सी को, या को और एच सी होन को ट्राई किया है। पिक्चर पे दोस्तों ये मिंड्रा ज़्यादा खेलने के चांसेस लग रहा है दोस्तों, इसलिए उसको पिक किया है। अगर नहीं खेलेगा तो फाइनल टीम पे हमारा चेंज कर दूंगा और फाइनल टिप्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और दोस्तों कैप्चर पे मैंने एल हु यांग को पिक किया है दोस्तों। एल हु यांग आपके लिए बेस्ट पिक रहेगा कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों, याद रखना ग्रैंड लीग के लिए आपके एल हु यांग कैप्टन बेस्ट पिक रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने शायद तो मैं SL की टीम और हेड टू हेड के लिए शायद मैं
मनी ड्रा और खेले तो दोस्तों, मनी ड्रा आपके लिए कैप्टन के लिए बेस्ट पिक रहेगा स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। और एल ली के साथ जा रहा हूँ दोस्तों वाइस कैप्टन, आप चाहे तो दोस्तों के ओ एन वी के भी साथ जा सकते हो, और किसी भी इनफील्डर इन सॉरी इसके साथ नहीं है सी के यू एन के साथ ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन लेके जा सकते हो दोस्तों, कैप्टन लीग और अपना सकते हो। और यहाँ पे सी चो हो आपके लिए बेस्ट पिक रहने वाला है दोस्तों कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग पे, और एल यू एन भी आपके लिए बेस्ट पिक रहेगा कैप्टन के लिए दोस्तों। और एल ह्यूंग या को भी आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग पे, बहुत बहुत अच्छा पिक रहने वाला है दोस्तों। ये हमारा फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो। अगर टेलीग्राम का लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम चैनल पर जाके फैंटेसी सुपर 11 सर्च करके भी जुड़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया होगा, अगर कर दिया होगा तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मदद मिला होगा कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस करने के लिए, टीम बनाने में दोस्तों। आज के वीडियो में फिलहाल तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।